तो हे गाइस, आइए फाइनली मैं चिड़ियाघर आ चुकी हूँ। तो आई होप आप सबको मैं पूरा चिड़ियाघर दिखा सकूँ। तो आइए चलते हैं चिड़ियाघर में, देखते हैं क्या क्या है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। ये है ना, और यहाँ पे हम थोड़ी सी इनकी क्लिप लिए हैं। और कई ऐसे हैं जहाँ पे अभी कुछ कोई जानवर नहीं है, बाड़े जो इनके खाली रखे, एकदम खाली रखे गए हैं, आप ये देख रहे हैं। लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है बहुत अच्छा है, सब टूरिस्ट हैं, आसपास के जिले के लोग हैं, काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हैं। ये काफ़ी कुछ खाली मिलेगा आपको। अब आगे बताएंगे ये चिंटू कि आगे क्या हुआ। यहाँ पे स्कूलों के कैंपस के बहुत सारे बच्चे आए हैं, इतनी ज्यादा आज भीड़ है, बहुत ज्यादा संडे होने की वजह से आज बहुत ज्यादा भीड़ है। और संडे होने की वजह से ही हम लोग भी यहाँ पे आज विजिट कर पाए हैं। हाँ, फाइनली आप इनको आप वीडियो में देख पा रहे हैं और इनकी आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। लेकिन ये बाड़े कई खाली मिल रहे हैं हमको, और हमारा लग रहा है कि जो यहाँ पे एक फीस लगी हुई है, कितना, 15 रुपीज। बट ठीक है, कोई नहीं, हमारे शहर का जू है तो इतना तो बनता है। इतने के लिए हम लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है चिड़ियाघर देखने के लिए। तो इतना यहाँ गोरखपुर में बन गया, ये बहुत अच्छा है, ये गुड इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का। बट कोई नहीं, अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ तो तेंदुआ है, पहचान रहे हैं। और क्या है? और अपना आगे तुम्हारे पे करते हैं। ओवरऑल 50 रुपए में ये मिला, जरूर होगी, नहीं होंगे पक्का, नहीं होंगे। बहुत छोटा है अभी बच्चा। पचास रुपए में यही दिखा ना, और भीड़ सारी यहीं पे, और इतने भीड़ है जैसे कभी देखे नहीं। निकला तो है लेकिन बट दिख नहीं रहा है, बहुत छोटे भाई। बैठा है शायद अंदर बैठा है।
ये हम है, ये मेरी बुआ। दिखाओ दिखाओ। ये हमारे चिड़ियाघर, यहाँ सारे लोग हाथी पे, घोड़े पे, चाहे जिस पे बैठा दे रही है। अब तुम्हारी बुआ की पारी है, बुआ जा रही है उसको बैठने। माता जी आगे आगे है, वो थोड़ा गुस्सा लग रहा है। गुस्सा नहीं है। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा लगी है, आज संडे का दिन है, इसलिए यहाँ पे स्कूल के इतने सारे बच्चे आए हैं, इतने सारे कैंपस के लोग, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब बोर हो चुके हैं। अब तो निकल जाएंगे हैं?
चिड़ियाघर में ये सबसे अच्छा पार्ट दिख रहा है मछलियों का, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कई तरह की मछलियाँ थी यहाँ पे। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा यहीं पे लगा। तो क्राउड होने की वजह से यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं और एग्जिट पॉइंट पे हम लोग बाहर अब जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर। बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत प्यारी मछलियाँ हैं। मन कर रहा था कि थोड़ी देर रुकें, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो देख रहे हैं आप लोग इन सबको, कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। इन मछलियों का नाम तो मुझे खुद भी नहीं पता है। तो आइए चलते हैं बाहर एग्जिट के। तो अब हम एग्जिट कर लिए। ये आप देख सकते हैं कि एग्जिट करते समय वहाँ पे छोटे छोटे अंदर शॉप खुले हैं, जो भी बहुत सुंदर है। ये आप देख सकते हैं, जो लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, उनके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है कि आप एग्जिट करते समय ले सकते हैं। ये कॉस्मेटिक की दुकान है, कुछ यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, जैसे कि झूला वगैरह है, डॉल है, बहुत खूबसूरत है ये हाथ का बना हुआ। और ये फाइनली हम बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी